रसमलाई खाना हम सबको बहुत पसंद है। अभी के सिचुएशन में हम सब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बाहर का मिठाई, तो क्यों ना हम इस मिठाई को घर पे ही बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैन में लूँ मैं 1 लीटर दूध। यहाँ पे मैं गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ, भैंस का दूध ना यूज़ करें। दूध में हमें एक अच्छा सा बॉयल ला देना है, फिर ही हम इस दूध को ना फाड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं फाड़ रही हूँ कैल्शियम लैक्टेट डाल के। आप यहाँ पे विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो, 2 बड़े चम्मच विनेगर डालिए इंटरवल्स पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो दूध है अभी फटेगा, तो वेट करके हमने इसको फाड़ेंगे। एक साथ मत ऐड कीजिए। देखिए मेरा दूध यहाँ पे फट गया, अब इसको हम छान लेंगे। मैं यहाँ पे एक हैंकी का यूज़ कर, आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे छानने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना एक नॉट बांध लेंगे हम, एक साथ सब कुछ इकट्ठा करेंगे और फिर जो पानी है एक्स्ट्रा इसको हम स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। पानी स्क्वीज़ आउट हो जाएगा तब हम इसको ना एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद इसको ना हम एक कहीं हैंग कर देंगे करीब 1 घंटे के लिए। तब तक है ना हम रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। यहाँ पे आप भैंस का दूध ले सकते हो, मैं गाय का दूध ली हूँ। यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है, तो इसको हमें गाढ़ा करना है। जैसे कि हमने रबड़ी बोला तो इसको गाढ़ा करेंगे, साइड से स्क्रैच कर करके इसको गाढ़ा कीजिएगा। जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 1/2 कप शुगर, मिला लें इसको। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ क्रश्ड इलायची, इसको एक अच्छा सा मिक्स दे लेंगे। रखिएगा शुगर हमें तभी डालना है जब आपको लगे कि आपका दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया, रबड़ी का टेक्सचर ले गया, तभी हमें इसको ना शुगर ऐड करना। मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, लेमन येलो वाला फूड कलर है। आप यहाँ पे ना केसर भी ऐड कर सकते हो, अगर केसर नहीं है तो फूड कलर डाल दीजिए, या फिर दोनों ही स्किप कर दीजिए। यहाँ पे आप फिर हल्दी डाल सकते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड नट्स, यहाँ पे पिस्ता, आमंड, काजू है, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं एक बोल में निकाल चुकी हूँ, इसको हम ना साइड में रख देंगे। 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो छेना है वो अच्छे से ना पानी इसका निकल गया है, ड्रेन हो चुका है। तो इसको हम ना थोड़ा सा इसको फोड़ लेंगे और फिर मैश करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा क्रम्बली टेक्स्चर हो गया, तो इसको ना हम अच्छे से ना जो नॉर्मल टेक्स्चर है उसको मिला देंगे और फिर इसको ना पाम से हमें ऐसे करके मलना है इसको। ये जो छेना है बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, एकदम इवन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना हमें कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए करना है। देखिए यहाँ पे मेरा ये जो टेक्सचर है, छेना है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। जो छेना बॉल है बहुत अच्छा सा बन रहा है, क्रैक भी बन रहा है। एक पैन में ली हूँ मैं 1 कप चीनी और इसी में जाएगा 3.5 कप पानी। इसका हमें ना शुगर सिरप बनाना है, तो एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और इसको ना हमें ना चीनी को घुल जाने तक वेट करना है। शुगर सिरप में जब शुगर डिजॉल्व हो जाएगा तो एक बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है तो हाई फ्लेम में ही हम ऐड करेंगे हमारा छेना बॉल्स। तो ना वो जो ऊपर का लेयर है छेना बॉल्स का वो सेट हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। इसे हमें कुक करना हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हम पैन को कवर कर देंगे और इसको कुक करेंगे 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। 8 मिनट के बाद हमारा जो छेना बॉल्स है इसको ना हम फ्लिप कर देंगे एक बार। यहाँ पे मैंने सारे को फ्लिप कर दिया। अब इसको ना हम ना लो फ्लेम पे पकाएंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए। इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लास्ट में मैं ना 1 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। अब ये लास्ट मिनट का है, अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब देखिए कितना सॉफ्ट हमारा जो छेना बॉल्स हैं अच्छे से बन गए, बहुत सॉफ्ट ही है, स्पॉन्जी है, जस्ट लाइक मार्केट बॉट। ये जो प्रिपेयर्ड छेना बॉल्स हम ना सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो रबड़ी है ना, मैंने ना इसको गरम कर लिया था थोड़ा सा। इधर आपके छेना बॉल्स थोड़े से गरम होने चाहिए या फिर रबड़ी, कोई भी एक वार्म होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने रबड़ी को गरम किया था। रबड़ी को हम पोर कर देंगे छेना रसगुल्ला के ऊपर। इसको हम ना 5 से 6 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 घंटे के बाद मैं इसको ना काट के आपको दिखाती हूँ। मैं ना इसको बोल में निकाल रही हूँ अभी। अब देखिए इसकी सॉफ्टनेस, तो देखिए आप कितने आसानी से कट के निकल गया, कितने सॉफ्ट है ना ये टेक्सचर में, आप फील कर सकते हो। आई होप भी ट्राई दीजिए इस रसमलाई की रेसिपी को जो कि मैंने शेयर किया आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ये विदाउट फेल रेसिपी है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर अ मोमेंट, एंड अगर रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।